वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। ललितपुर में पुलिस हिरासत में युवक ने जहर खा लिया है। मामले को लेकर कहा जा रहा है कि पुलिस संदिग्ध युवक को पकड़ पूछताछ के लिए लाई थी और इसी दौरान पेशाब का बहाना कर युवक ने बाथरूम में जाकर टॉयलेट क्लीनर पी लिया और जिसके बाद से ही युवक की हालत बिगड़ गई और जिसके बाद युवक को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। ललितपुर की खबर बता रहे हैं जहाँ पर पूछताछ के लिए थाने लाई गई थी पुलिस और इसी के दौरान ही पुलिस हिरासत में युवक ने जहर खा लिया। पूछताछ के दौरान ही युवक से पूछताछ की जा रही थी, उसके बाद बाथरूम में जाने के बहाने उसने जहर खा लिया। उत्तर प्रदेश सरकार के हिस्टॉप और न्यायालय शुल्क मंत्री रविंदर जायसवाल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने बस्ती पहुंचे, जिन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटी है। मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि सभी मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें और देखें कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं और यहाँ आकर देखा कि सरकार की योजनाओं का लोगों को प्रॉपर लाभ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। लोगों को राशन और दवा और इसके साथ ही पशुओं को प्रॉपर चारा मिल रहा है, इसको मंत्री सुनिश्चित करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने ये सबको निर्देश दिया कि बाढ़ क्षेत्र के जो प्रभावित मंडल है उस मंडल में सारे मंत्री वहां जाकर के सरकार की योजना है जनता तक समय से पहुंच रहा है क्या। उस निमित्त हमारे सहयोगी मंत्री छत्तीसगढ़ का दौरा हुआ था 15 तारीख को, माननीय मुख्यमंत्री खुद आए थे। आज मैं यहाँ हूँ, बस्ती भी जाऊँगा, घर जाऊँगा और आप देखने के बाद सरकार का जो राशन है, जो सरकार की दवाएं हैं, जो पशुओं को भूसा है, अब खबर सहारनपुर से है जहां पर सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सूचना के आधार पर थाना मिर्जापुर पुलिस ने दबिश देकर 2 स्मैक तस्करों सहित 8 लाख रुपए की 150 ग्राम स्मैक बरामद की है। और बताते चले कि थाना मिर्जापुर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो बरेली का रहने वाला है अक्सर मिर्जापुर क्षेत्र में आकर स्मैक सप्लाई किया करता है और इस वक्त यहाँ पर स्मैक सप्लाई करने का आया हुआ था और तभी ही तुरंत क्षेत्र अधिकारी बेहद के नेतृत्व मिर्जापुर पुलिस ने मौके पर दबिश दी और दोनों तस्करों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। सूचना मिली थाना मिर्जापुर पुलिस को कि एक व्यक्ति जो कि बरेली का रहने वाला है और अक्सर यहां पर आकर स्मैक की सप्लाई करता है थाना मिर्जापुर क्षेत्र में, वो यहाँ पर स्मैक उपलब्ध कराने आया हुआ है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना मिर्जापुर पुलिस ने सीओ बेहट के नेतृत्व में दबिश दी और दबिश में 2 अभियुक्त और इनके कब्जे से लगभग 150 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। दिनेशपुर थाने में खड़ी 19 गाड़ियों की नीलामी एसडीएम राकेश तिवारी परिवहन विभाग की टीटीओ गोविंद सिंह और अनुपा बडोला के मौजूदगी में किया गया है। नीलामी प्रक्रिया में निहार अहमद ने अत्यधिक बोली लगाई है। उन्होंने 1,54,000 की बोली लगाकर गाड़ियों को अपने नाम किया है और इस दौरान एसडीएम राकेश तिवारी ने कहा कि लावारिस गाड़ियों को पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही नीलामी प्रक्रिया किया जाता है, जिसको लेकर एक आरटीओ पुलिस के साथ एक टीम गठित की जाती है। व्हीकल की नीलामी थी, सामान्य न्यायालय का आदेश भी लेना पड़ता है, उसके बाद कमेटी होती है जिसमें एसडीएम सीओ आईआरटीओ और हमारे ये अभियोजन अधिकारी होते हैं। आज उसी प्रकाश में हम लोग उपस्थित हुए और 18 उसमें टू व्हीलर थे और एक थ्री व्हीलर, उसकी नीलामी की गई और हमारे ही अच्छे और कुछ गाड़ियाँ उसमें स्क्वाड में हैं, कुछ जो मेंटेनेंस के पश्चात उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, उसको चलवा सकते हैं।
उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ का निरीक्षण किया है और साथ ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत बुधवार को जोशीमठ पहुंचे, जहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य क्षेत्र का जो केंद्र है उसका निरीक्षण किया है। और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जोशीमठ में हो रहे भूत सावाव और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, साथ ही भवन के नीचे 50 वाहनों की पार्किंग बनाई जाएगी। सभी पर्वतीय जिलों में 100% डॉक्टरों की नियुक्ति की, जहाँ सर्जन की कमी थी वहाँ भी हमने अभी हर जिलों में और हर CCPC में सर्जन भेजे। जहाँ तक जोशीमठ हॉस्पिटल की बात है तो यहाँ पे अभी जो भी दिक्कत है कि भाई यहाँ पे ज़मीन धस रही है, तो मैंने कहा कि इसका नया एस्टिमेट बनाएंगे और पूरी नई बिल्डिंग बनाई जाए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। उसके लिए सरकार के पास पैसे की भी दिक्कत नहीं है। और बड़ी बात यह है कि अब हमारी सरकार आज बद्रीनाथ जी में भी 50 बेड का एक नया हॉस्पिटल बना रही है ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। शहर के बीचों बीच बाजार में पटाखे की दुकानें लगाने को लेकर ही व्यापारियों और प्रशासन के बीच ठन गई है। प्रशासन जहां सुरक्षा का हवाला देकर पटाखे की दुकानें खुले मैदान में लगाने की इजाज़त दे रहा है, वहीं व्यापारी प्रशासन के इस निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं है। व्यापारियों का तर्क है कि ऐसा होने से पटाखों का रोजगार प्रभावित होगा। बताते चले कि व्यापारियों ने बाजार में पटाखे की दुकानें लगाने की मांग को लेकर SDM कार्यालय में जमकर विरोध किया और करीब 1.5 घंटे तक SDM और व्यापारियों के बीच इस संबंध में बातचीत हुई और किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा गया और SDM ने शाम तक बीच का रास्ता निकालने की बात कही है। वहीं व्यापारियों ने बाजार में दुकानें नहीं लगाने पर पटाखों का बहिष्कार करने और पटाखों की खेप SDM कार्यालय के सामने लाकर रखने की चेतावनी दे दी है। जिले से निर्देश मिले थे कि कुछ चयनित स्थलों पे ही सब सुरक्षा की दृष्टिगत जो है वो पटाखों के मार्केट लगाए जाए, तो हमने उसमें एक जगह चयनित किया है। जो लोकल व्यापारी हैं उनको विरोध है कि उनसे जो है उनके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि उसमें एक ऐसा बैलेंस हो कि इनके व्यापार को भी प्रभाव ना पड़े और जो सुरक्षा की दृष्टि से जो सेफ्टी है, फायर के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको भी मेंटेन किया जाए। तो उस पर विचार विमर्श चल रहा है और जल्दी उसमें डिसाइड कर लेंगे हम कि कहाँ पे किस तरह की समुचित व्यवस्था करते हुए आज शाम तक जो हम कम्युनिकेट कर देंगे कि किस तरह से जो है व्यापारियों पर प्रभाव भी ना पड़े और एक सुरक्षित दीपावली मनाई जा सके और पटाखों की बिक्री। रुड़की के मंगलोर में मौर्य होटल में BJP कार्यकर्ताओं ने दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और क्षेत्रीय पंचायत चुनावों के जीते सभी प्रत्याशियों का सम्मान समारोह आयोजित कर लोगों को BJP की सदस्यता भी दिलाई गई। कार्यक्रम में पहुंचे हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल, कांग्रेस छोड़कर 3 बार सांसद रहे हरपाल सिंह साथी को भी BJP पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। और आपको बता दें कि सम्मान समारोह में BJP प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित जनपद के कई BJP पदाधिकारी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए सांसद निशंक पोखरियाल ने ही कहा कि BJP केवल विकास कार्यों को गति देने में जुटी हुई है और साथ ही कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने BJP की सदस्यता ग्रहण, उसके साथ ही हरिद्वार के 3 बार सांसद रहे हरपाल सिंह साथी ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर BJP पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और आगामी लोकसभा चुनाव में BJP की मजबूत टीम देश में फिर से BJP का परचम लहराएगी। जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी प्रति बना है। अभी पंचायत चुनाव में हमने अच्छा बहुमत यहाँ पर प्राप्त किया, स्वाभाविक रूप से जनता भी विकास के साथ जुड़ना चाहती है। बड़ी संख्या हरपाल साथी जी के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं सबका अभिनंदन स्वागत करने इस कार्यक्रम में आया था। हम इसी रूप में लड़ेंगे, हमारा बूथ तक का कार्य संगठन हमारा खड़ा है। बूथ के कार्यकर्ता को उत्साहित करना है, उनके लिए कार्यक्रम देने और सरकार की योजनाएं गांव तक पहुंचाना है, ये हमारा उद्देश्य है। उसके लिए हम संगठन का विस्तार भी कर रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध हमारा हुआ है, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष निर्विरोध हुआ है, 6 के 6 विकास खंडों में हमने ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध हुए हैं, ज्येष्ठ प्रमुख निर्विरोध हुए हैं, कनिष्ठ प्रमुख निर्विरोध हुए हैं। ये निर्विरोध होना ये इस बात का प्रमाण है कि दूसरी पार्टी ने हिम्मत भी नहीं की कि वो केवल अपना नामांकन भी कर सके, इसलिए ये नया इतिहास बना है। हम विकास का भी इतिहास हमने 50 साल में
जो नहीं हो सका था 5 साल में वो काम किया है। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बाबा की हत्या का मामला सामने आया है। थाना पुलिस के मुताबिक बाबा रामानंद पर बाबा हरभजन दास के फावड़े से वार किया गया, जिसके बाद से ही जिससे बाबा रामानंद की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हत्या के कारणों की जाँच में जुट गई है। ये कुटिया नंबर 13 है, इसमें एक रामानंद सरस्वती रहते हैं। 2001 से इनका रहना बताया जा रहा है उस कुटिया में। तो उन्हीं के बगल में पीछे एक और हैं व्यक्ति जिनका नाम हरभजन दास शाह हैं, ये भी साधु हैं, ये 2010 से वहाँ पे रह रहे हैं। एक कुटियाओं के बीच के विवाद को लेकर इनका पहले भी वाद विवाद हुआ है, लेकिन इस प्रकार की कोई शिकायत कोई भी कंप्लेन पुलिस प्लेटफॉर्म पर नहीं आई। लक्सर रोड के मार्ग पर बदमाशों और पुलिस के बीच बुधवार को देर रात मुठभेड़ हो गई और इस दौरान ही दोनों ओर से फायरिंग की गई। वहीं पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल लाया गया है। वहीं एसएसपी हरिद्वार ने सिविल अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली है। रुड़की के सिविल अस्पताल पहुंचे एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि लक्सर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार युवकों को रोका तो उनकी ओर से पुलिस पर फायरिंग कर दी गई और बदमाश कुछ दूर पर ही है और गन्ने के खेत में घुस गए और पुलिस की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और गन्ने में छुपे बदमाशों को चारों ओर से घेर कर सर्च अभियान किया गया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई राउंड फायरिंग की और फायरिंग के दौरान ही गन्ने में छिपे एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। देखिए विगत दिनों लक्सर क्षेत्र में कुछ घटनाएं हुई थी, जिसके बाद की पुलिस की जो अलर्टनेस थी वो मैक्सिमम पर थी और कुछ बदमाशों के मूवमेंट की जानकारी हुई थी, जिसमें कि हमारी जो एक चेकिंग पार्टी थी वो चेकिंग कर रही थी कुआखेड़ा के पास। एक संदिग्ध वहाँ पर से वाहन गुजरा, जिससे कि जब रोकने का कोशिश किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करी। जब पुलिस पार्टी ने रिटेलिएट किया तो ये लोग आसपास के इलाके में भाग गए, खेतों में भाग गए थे जी। तो और ज़्यादा फिर पुलिस को बुला के उनको कॉर्नर किया गया और जो उसके बाद जो मुठभेड़ हुई है उसमें एक बदमाश के पैर पर गोली लगी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।